हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक जो मैंने नया एसी खरीदा है। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला एसी लिया है। यहाँ 37,999 का दिख रहा है, अमेज़ॉन है ये। मेरे को पड़ा है 35,999 का, क्योंकि उसके ऊपर आई सी सी बैंक के ऊपर फर्दर ऑफर था। ठीक है, और ये है वो एक्चुअल में, और ये उसके साथ स्टेबलाइज़र लिया 130 अप का वीगार का, और ये है वोल्टास का एसी। और वो एसी ऐसे आया था इन दो बॉक्सेस के अंदर, ये वोल्टास और ये नीचे उसका जो कंप्रेसर है, ये मेन यूनिट अंदर वाली, ये उसकी पावर रेटिंग। और ये तो 5 स्टार एसी है, 2023 मॉडल है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी पिछले साल की है, बट क्या कह सकते हैं। तो मैंने वोल्टास का एसी क्यों लिया, उसका रीज़न ये है कि जैसे मेरे पास आप देख सकते हैं IFB का है, ये वाला ब्लू स्टार का है, और इवन ये 20 साल पुराना LG का विंडो एसी तक है। तो रीज़न क्या था वो वाला लेने का, और ये आप देख सकते हैं उसका पीछे कंप्रेसर यूनिट। तो ये इन्वर्टर एसी है, एक R32 इन्वर्टर समथिंग, इस पर भी आपकी रेटिंग लिखी है, और ये उन्होंने ऐसे लगाया अंदर से बाहर निकाल के। तो मैंने लिया इसलिए क्योंकि मेरे पास, जैसे आपको मैंने बताया बाकी सारे ब्रांड्स के अंदर, तो मेरे को काफ़ी रिव्यू मिले लोगों से कि वोल्टास का भी काफ़ी अच्छा था। मैंने सोचा कि लगा के देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं आपको आगे चला के दिखाऊंगा कि कौन सा बेटर है इसमें या बाकियों में। मतलब वैसे आपको बेसिकली जल्दी जल्दी बता दूँ तो काफ़ी अच्छा है इसकी, ये भी आप इस पर जा सकते हो। बाकी तो आपको डिटेल में मैं अंदर जाके पूरे इसकी फंक्शनिंग बताऊँगा कि क्या है। तो ये 1.5 टन का एसी है, 1.5 टन का, 5 स्टार है, इन्वर्टर एसी है, तो बिजली काफ़ी कम लेगा, तो पहला पॉइंट तो ये है। उसके अलावा इसके अंदर मोड्स हैं, बेसिकली आप इसको 1 टन की तरह भी चला सकते हो, तो ये 1 टन के एसी की तरह काम करेगा। कंप्रेसर बेसिकली कूलिंग कम करेगा, जो भी इसका प्रोसेस है वो आप गूगल करो, आपको पता चल जाएगा। एंड बाकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्विंग लिखा तो है, बट मतलब रिमोट, चलो वो आपको अंदर जाके फंक्शनिंग बताते हैं उसके आगे जाके फ्रंट से। तो हेलो, अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स एंड ऑल के बारे में। तो ये जैसे हमारा लग गया है, तो इसके ऊपर अगर आप देख सकते हो ध्यान से, तो पावर का साइन आता है जैसे ये ऑन होता है उसके बाद से। और ये हमने लगाया है वी गार्ड का, जैसे पहले भी शायद मैंने बताया था आपको कि 130 अप, मतलब 130 तक अगर वोल्टेज खींच जाती है तो ये उसको अप करके नॉर्मल में ला के एसी को बचाता है। एनीवेज, तो ये हमारा वोल्टास का एसी ऑन होने पे ऐसा लगता है। और ये है इसका रिमोट, रिमोट सही है इसका। इसमें क्या क्या, देखिए टेम्परेचर है, माइनस प्लस, ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए ये मोड्स हैं, ये पावर, ये फ़ैन, ये वर्टिकल स्विंग। में अब सारा समझाता हूँ। जैसे ये किया ऑन, ऑन करते ही ऊपर जैसे डिस्प्ले, इसकी LED डिस्प्ले, तो ये आ गई ऊपर ही, तो जैसे टेम्परेचर बता रहा है कि ये क्या है। तो अब अगर लेट्स से इसको मैं कम करता हूँ या ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, 25, 26 जितना भी करोगे उस पर आ जाएगा, ठीक है। अब और क्या चीज़ है इसके अंदर, जैसे ये मोड है, तो अब मोड क्या है, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा ये ऊपर कि ये कूलिंग वाला है, ठीक है, ये देखिए। अगर इसका मोड चेंज कर देता हूँ तो ये डीह्यूमिडिफायर वाला चल जाता है, इसमें ऊपर SD आ जाता है लिखा हुआ वहाँ, या 5D जो भी है। और ये 24 डिग्री सेल्सियस पे सेट हो जाता है, फ़ैन की स्पीड वगैरह भी अपने हिसाब से सेट हो जाती है। तो इसके अंदर कूलिंग उतनी ही करेगा 24 पे, और बाकी मेनली क्या करेगा, ह्यूमिडिटी को कम करेगा। इसको अगर हटा दें तो ये अकेला फ़ैन वाला है, ठीक है जी, तो इसमें अकेला फ़ैन चल रहा है, और टेम्परेचर आपका आ गया 22 पे ऑटो सेट है, तो मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ैन चल रहा है, शायद आवाज़ आ रही हो। अगर आप इसको मैं चेंज कर दूँ, अगला वापस आ गया हमारा कूलिंग वाला, ठीक है। इसकी फ़ैन स्पीड वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो कम ज़्यादा, जैसे ये किया कम ज़्यादा, ठीक है, जो भी आपको सेट करनी है उस पर। उसके आगे ये वर्टिकल स्विंग, तो ये मतलब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ये स्विंग इसकी, जैसे करता हूँ लेट से, ये देखो मैंने किया क्या हो रहा है, और ये आपकी ऐसे ही हॉरिजॉन्टल स्विंग। इस वाले एसी के अंदर है नहीं वैसे हॉरिजॉन्टल स्विंग, वरना उसमें ऐसे ऐसे, मतलब देखो ये देखिए, जैसे वर्टिकल ऑन की हुई है ना, तो दिख रहा है आपको ऊपर वो फ्लैप सा जो है वो ऊपर नीचे होने लग पड़ा है, ये देखिए सही। अब आते हैं, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ 1 सेकेंड, और फ़ैन की स्पीड को भी थोड़ा कम कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, मेरे को ठंड लगने लग पड़ी है अभी, इतनी गर्मी हुई नहीं है। ओके, ये आ गया आपका सेवर, तो ये वही है कि अगर आप इसको दबा दोगे तो इकोनॉमी मोड पे चल पड़ेगा 24 डिग्री के ऊपर। ये लैंप है, इसको करोगे तो ऊपर का बंद हो जाएगा,
जैसे हम देखा हो ये डिस्प्ले, ये रात को क्या था इसलिए इसकी लाइट होती है काफ़ी, जो कि सही है। तो मैं अपने बाकी जो दूसरे एसी हैं उनकी तो ऑन करके छोड़ता हूँ कि सही रहता है। एनीवेज ये टर्बो है कि अगर आप दबाओगे तो बड़ी स्पीड से कूलिंग करने लग पड़ेगा। उसके आगे आपका टाइमर ऑन इधर है और टाइमर ऑफ, और उसको सेट करना कि टाइमर पर आप सेट कर दोगे कि कितनी देर के लिए इसको चलाना है, वो सब है। ये टेम्प है और ये वाईफाई, इसके अंदर है नहीं है वाईफाई का। टेम्प का देखते हैं क्या सीन है, टेम्प का तो पता नहीं क्या है। तो ये था जिसका रिमोट बेसिकली। तो कूलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, और ये क्योंकि इन्वर्टर एसी है तो ये बिजली भी काफ़ी कम यूज़ करता है। जैसे हमारे पास तो एक वो भी है, वो पुराना सन 2002 का शायद से एसी है, 20-21 साल पुराना है, तो वो तो भाई साहब 8-9 यूनिट पी जाता है अगर एक रात चला दो। ये वाले जो एसी है ये आई थिंक हार्डली कोई 1.5 यूनिट शायद, 1.5 या 2 यूनिट हो जाएगी मैक्स लेंगे अगर आप ठीक टेम्परेचर पे चलाते हो। मतलब बेसिकली जैसे लोगों की ये आदत होती है कि 16 पे चला दिया, 17-18, कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आराम से 25-26 पे करो, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करेगा, बिजली भी कम यूज़ करेगा और आप आराम से हो भी पाओगे, ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। पर अब कईयों को आदत होती है कि ज़्यादा ही ठंडा करने की, वो फिर करते हैं 16-17, बिजली भी ज़्यादा यूज़ होती है और फिर वो जो कम्फर्टर होता है रजाई सी वो लेके फिर सोए रहते हैं। बाय द वे, और ये था जो स्टेबलाइज़र साथ में मैंने लिया, ये मैंने बाहर से लिया था, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ये वाला वी गार्ड का है, 400 ई समथिंग ऐसा नंबर है इसका। तो ये 4600 का मेरे को मिला है, 6000 कुछ ऊपर प्राइस है, ऑनलाइन भी इतने का मिलता है। ये तो मैंने शॉप से आके लिया था। और ये जो एसी है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया 35500 का मेरे को पड़ा, इसके ऊपर से कितने लगे हैं 1770 रुपये, 1770 रुपीज़ लिए हैं वोल्टास वालों ने, जो उनका सर्विस वाला बंदा है इसको लगाने का, फिट करने का। उसके अलावा एक और जो अजीब चीज़ है, जो इसका स्टैंड था जिसपे वो पीछे जैसे कि जो जो इसका कंप्रेसर होता है जिसको रखते हैं बाहर, तो उसके भी 800 रुपये अलग से लिए, जो कि मेरे को ब्लू स्टार वालों ने तो नहीं लिए थे पर इन्होंने लिए। उसके अलावा तो मेरे इलेक्ट्रिशियन ने ये वायरिंग करने की बाकी की, ये बता देता हूँ आपको क्या किया उसने। ये कुछ ऐसे करते हैं, वायर ला के पावर वाली, ये 2-2 MCB लगा देते हैं, 15-15 एम्पेयर के शायद से, पता नहीं क्या वो बोलता है कि डबल वाला ज़्यादा बेटर होता है, तो जो भी है। तो ये था जी वोल्टास का एसी, तो अच्छी खासी कूलिंग है इसकी, बाकी तो जब गर्मी ज़्यादा आएगी तब बता सकता हूँ मैं आपको। और ये इसको किया बंद और ये इसका फ्लैप बंद। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।